सरोकार। राजकीय श्रीराम चिकित्सालय में कोविड नियमों का सख्ती से पालन के निर्देश, सीएमएस ने जारी किए निर्देश। ब्रज कल्याण जन सेवा संस्था की तरफ से वितरित किए गए हेलमेट, दोपहिया वाहन स्वामियों से हेलमेट पहनने की अपील की गई। क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देश पर थाना कासगंज के भीड़भाड़ इलाकों में चेकिंग, अराजकता फैलाने पर होगी सख्त कार्रवाई। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत, 24 घंटे तक चलेगा आंदोलन, बड़ी संख्या में सपा नेता रहेंगे शामिल। शराब पार्टी के बाद फेरी वाले के निर्मम हत्या, दोस्तों ने अधेड़ किया हत्या कर शव को नाली में फेंका। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। अयोध्या के राजकीय श्रीराम चिकित्सालय में बिना मास्क के प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। सीएमएस सत्येंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 के बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने अस्पताल के स्टाफ को अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के निर्देश दिए हैं और इलाज के लिए आ रहे मरीजों तीमारदारों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें, ऐसा उनका कहना है। सीएमएस ने सत्येंद्र सिंह ने सर्दी जुकाम बुखार के लक्षण दिखने पर अस्पतालों में इलाज कराने पर राहत मिलने की जानकारी दी। को लगा दिया गया है, आने वाले मरीज और उनके अटेंडेंट को भी ये सलाह दिया जाता है कि मास्क लगा के ही अंदर आएं और स्टाफ और डॉक्टर जितने कर्मचारी काम करने वाले हैं सारे लोग मास्क लगा के काम करते हैं। अगर किसी भी कुछ लक्षण अगर कोरोना का दिखता है, सर्दी जुकाम बुखार खराश इस टाइप का, तो क्या सलाह देंगे आप? उनको यही सलाह देंगे कि अपने मन से कोई दवा न खाएं और उसको कोई भी नज़दीकी में सरकारी डॉक्टर से सलाह लेके तब उसको दवा खाएं। अपने यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं इसके प्रति अगर कोई मरीज? हमारे यहाँ है एक फ्लू सेंटर खोला हुआ है जो कि उस पर सर्दी जुकाम वाले जो मरीज रहेंगे उनको देखेंगे और डॉक्टर विश्वकर्मा इसके लिए नियुक्त किए गए हैं और कुछ भी बुलंदशहर के तहसील सिकंदराबाद पुलिस ने निकाय चुनाव से पहले अवैध रूप से संचालित शस्त्र फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की है। पुलिस अधिकारियों ने जोखाबाद में एक अवैध असलाह फैक्ट्री पर छापा कर एक आरोपी को गिरफ्तारी कर किया है। आरोपियों के पास से 6 अवैध तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए। एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सभी आरोपी शातर्म किस्म के बदमाश हैं जिन पर अन्य थानों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी के साथ एक साथी फरार हो गया है। पुलिस टीम गिरफ्तारी कर लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस गश्त में थी, उनको नुपुर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो अवैध असलहे बनाता है उसके आधार पर इन लोगों ने जोखाबाद क्षेत्र में एक पुलिस डाली, वहां से एक साहिब नामक व्यक्ति पकड़ा गया। एक व्यक्ति उसके साथी और था जो फरार हो गया है। उसके पास से लगभग 6 तमंचे और एक बंदूक और टेस्टिंग के लिए कारतूस और असलाह बनाने के लिए जो सामग्री उपयुक्त होती है, चाहे वो ड्रिल मशीन हो चाहे पाइप्स हो, ये बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई हैं और उसके आधार पर आज इन लोगों ने उसके खबर देवरिया से है जहां जनपद के किसान सिंचाई की समस्या से परेशान है। किसानों ने कहा कि 15 नवंबर से गेहूं की बुआई की शुरुआत की गई है। किसानों पंपिंग सेट और अन्य माध्यमों से खेती की सिंचाई करने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि हमारी गेहूं की फसल पक के तैयार होती है तब नहरों से छठे पानी से सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकार की तरफ से जारी बजट के अनुरूप किसानों को सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सिंचाई विभाग ने बताया कि 7 जनवरी तक जनपदों के सभी नहरों में पानी आ जाएगा। के बीच में कई जगह नहरों पे बड़े बड़े पुल बन रहे हैं तो उनका उसके चलते जो है पानी आने में विलम्ब हो गया है। 7 तारीख तक पानी आ जाएगा। अभी नहरों में सफाई कर दी गई हुआ है, उस पर क्या सफाई तो कुशीनगर और जो है महाराजगंज में हो चुका है। देवरिया में कुछ एक नहरों में नहीं हो पाया क्योंकि निविदा निकाला गया था तो उसमें
प्रतियोगितात्मक दर नहीं मिलने के चलते अब तक आ जाना चाहिए। किसान परेशान है सिंचाई के लिए, डीजल काफी महंगा होने की वजह से सिंचाई करने में वो थोड़ा संकोच भी कर रहा है, और अंतोगत्वा क्या होगा कि उपज जो है हमारी घट जाएगी। जाना नहरों में पानी के लिए तो ये सिस्टम का दोष है, कहना सिस्टम इसको पहले नहीं कर पा रहा, तैयार कर पा रहा, ये सिस्टम का दोष है। और मैं इसमें ये अपना सुझाव देना चाहूँगा कि नहरों की सफाई का काम खबर फिरोजाबाद से है, जहां शराब पार्टी के बाद अधेड़ फेरी वाले को दोस्तों ने सर पर भारी चीज मारकर हत्या कर दी और शव को घर के बाहर नाली में फेंक दिया। मृतक की पत्नी के चीखने चिल्लाने की आवाज पर पड़ोसियों मकान मालिक पार्श सुबोध कुमार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे इंद्रापुरी थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपियों साथियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक शराब का आदी था, आए दिन दोस्तों के साथ शराब पार्टी करता था। खबर गाजियाबाद से है, जहां शिप्रा सन सिटी चौक प्रभारी और लालकुआं चौकी प्रभारी रामवीर सिंह छत्रपाल सिंह का निधन ड्यूटी पर तैनात रहते वक्त हो गई। दोनों पुलिस अधिकारियों को पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस लाइन परिसर में कमिश्नर अजय कुमार मिश्र अन्य अधिकारियों ने चौकी प्रभारी रामवीर सिंह के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। चौकी प्रभारी छत्रपाल सिंह के पार्थिव शरीर को परिवार को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। गोंडा में एक और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी प्राथमिक विद्यालय को स्वच्छ, मजबूत और सुंदर बनाने के सभी सफल प्रयास कर रहे हैं, जिससे भारत का भविष्य कहे जाने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य सुंदर हो। लेकिन फिर भी कार्यों में अनियमितता हो रही है। मामला विकास खंड कटरा बाजार की ग्राम पंचायत उड़ीला से है, जहां पीली ईंट से प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जो कि जल्द ही गिर कर ध्वस्त हो जाएगी। तो वहीं जब कार्य कर रहे मजदूरों से ईंट के संबंध में जानकारी ली गई तो मिस्त्री और मजदूर ने स्वीकार किया कि यह पीली ईंट है। साथ ही ये भी बताया कि जो प्रधान जी कहते हैं और सामान देते हैं हम लोग वही कार्य करते हैं। क्षेत्राधिकारी नगर अजीत चौहान ने स्थानीय पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ थाना कासगंज के अंतर्गत मिश्रित आबादी और संवेदनशील स्थानों पर बस स्टैंड, बाजारों, बैंक, शराब के ठेके, गेस्ट हाउस, सोशल मीडिया पर सतर्कता होटल पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान जनता से बातचीत कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उन्होंने अराजकता फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। फ्लैग मार्च के दौरान प्रभारी निरीक्षक कासगंज, डॉग स्क्वाड अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। फूलबाग मैदान में स्थित गांधी प्रतिमा के पास 24 घंटे सत्याग्रह किया जाएगा। आंदोलन में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि साल 2022 काफी निराशजनक रहा है। पीएम मोदी, सीएम योगी किए सारे वादे झूठे साबित हुए हैं। उन्होंने सपा विधायक इरफान सोलंकी को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने का सरकार पर आरोप भी लगाया है। झूठे वादे थे, झूठे दावे थे, झूठे इरादे थे और झूठे मुकदमे थे। तो हम लोग इस जाने वाले साल को सत्याग्रह के माध्यम से विदाई दे रहे हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि जो आने वाला साल 2023 होगा इसमें सच्चों का बोलबाला होगा, झूठों का मुकाला होगा। सरकार ने लगातार झूठे वादे किए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक हर व्यक्ति को छत मिल जाएगी, मिली नहीं। कानून व्यवस्था ठीक हुई नहीं, महंगाई घटी नहीं, बेरोजगारी कम हुई नहीं, हमारे सार्वजनिक उपक्रम बिक गए और विपक्ष ने आवाज़ उठाने का काम किया तो विपक्षी विधायकों पर और नेताओं पर झूठे मुकदमे लगा के उनका दमन करने का काम किया गया। इस दमन के खिलाफ, इस झूठे वादों के खिलाफ, झूठे दावों के खिलाफ हम लोग आज सत्याग्रह बैठे हैं और नए साल का संकल्प लेते हैं कि नए साल में समाजवादी पार्टी लगातार आंदोलन में रहेगी, सड़कों पर रहेगी, सरकार के।
बैनपुरी के स्टेशन रोड पर सवार सेविका कमलेश कुमारी बहन अवनती ने पुरुषोत्तम कलेक्शन के पास ब्रज कल्याण जनसेवा संस्था के तत्वाधीन में निःशुल्क हेलमेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह, उप जिलाधिकारी नवोदिता शर्मा, सुदिति ग्लोबल एकेडमी के डायरेक्टर राम मनोहर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। उन्होंने लोगों को हेलमेट वितरित कर दोपहिया वाहनों को सावधानी पूर्वक चलाने और हेलमेट लगाने की अपील की। हेलमेट का बस यही है कि क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं जो होती है उसमें हेलमेट का सबसे बड़ा वो होता है। अगर हर मोटरसाइकिल वाला हेलमेट लगाए तो सड़क पे कोई भी होगी तो सिर बचेगा। और मैं इसके लिए कमलेश कुमारी जी को बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने इस तरह का कार्य रखा। और मैं तो हर समाज सेवी से चाहता हूँ कि इस तरह से होते रहे। तो लेकिन जितने भी हेलमेट ले रहे हैं उनसे एक ही निवेदन है कि वो हेलमेट को यूज जरूर करें, ऐसे ना हो कि हेलमेट को ना हो। धन्यवाद। मेरठ के लिसाड़ी गेट निवासी एक कारोबारी के घर पर चोरों ने मकान खाली कर पाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंचे कारोबारी को घर का सारा सामान बिखरा और लाखों रुपए की नकदी, जेवरात, एलईडी टीवी गायब मिले। पीड़ित परिवार ने थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेकर पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सिद्धार्थनगर के त्रिलोकपुर थाना के चिताही गांव निवासी राम उजागर यादव के घारी में अज्ञात परिस्थितियों में आग लग गई। स्थानीय निवासियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी पर पहुंची फायर ब्रिगेड और थानाध्यक्ष सूर्य प्रकाश सिंह की टीम ने ग्रामीणों के साथ कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में पीड़ित की 4 भैंस, 2 गाय जलकर मर गई। SDM डुमरियागंज कुड़ाल तहसीलदार अरुण शर्मा ने पीड़ित से बातचीत कर मुआवजा देने का ऐलान किया। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।